वेलकम टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक। केक बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 70 ml ऑलिव ऑयल और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 100 ml मिल्कमेड और इन दोनों ऑलिव ऑयल और मिल्कमेड को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक साथ दोनों बन जाए। लगातार चलाते हुए हम इन्हें मिक्स करेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे हम 100 ml मिल्क और इसे भी हम ऑलिव ऑयल और मिल्कमेड के साथ अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। अच्छे से मिलने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच वेनिला एसेंस और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। लिक्विड वाले बाउल में हम एक छन्नी रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 70 ml मैदा और हम इसी मैदा में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और इन सभी को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ। आराम से हल्के हाथ से इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। इसी तरह से कट एंड फोल्ड करते हुए आप देख सकते हैं केक का बैटर तैयार हो चुका है। हमें इसी थिकनेस के हिसाब से चाहिए, इसे पतला नहीं चाहिए। अब इसे हम साइड में रखते हैं और बेकिंग के लिए हम अपने केक मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। मोल्ड को हम ग्रीस करने के लिए ऑयल यूज़ करेंगे। मोल्ड में हम 1/2 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से हम चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हम बटर पेपर ऐड कर देंगे और इसे भी हम ब्रश के सहायता से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम मोल्ड में केक का बैटर ऐड करेंगे। इस तरह से इसके बाद मोल्ड को हम इस तरह से सेक करेंगे और 2 से 3 बार इसे टैप करेंगे। हांडी को हम प्रीहीट कर लेंगे 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम स्टैंड के ऊपर बेक करने के लिए केक मोल्ड रख देंगे और इसे ढक के हम 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। 40 मिनट बाद ढक्कन हटा के हम टूथपिक की सहायता से एक बार चेक करेंगे। सेंटर में हम टूथपिक डालेंगे। ये टूथपिक बिल्कुल ड्राई है यानी केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे अब हम ठंडा करेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम स्ट्रॉबेरी सॉस बना लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हम इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। एक पैन में हम स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम 100 ग्राम चीनी और इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हाई या मीडियम नहीं रखेंगे। इस तरह से मैश करते हुए हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो। यहाँ चीनी और स्ट्रॉबेरी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से हम क्रश करते हुए पकाएंगे और हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से क्रश करते हुए। थोड़ा सा गाढ़ा और इसे करेंगे हम चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। स्ट्रॉबेरी सॉस बनके तैयार है। एक बार हम इस तरह से चेक कर लेंगे।
चारों तरफ से मिलाते हुए इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और सॉस को साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। इसके लिए हम इस तरह केक के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और केक को इस तरह से हम पलट देंगे। केक मोल्ड पर हम इस तरह से 2 से 3 बार टैप करेंगे, उसके बाद से मोल्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद से केक के ऊपर से हम इस तरह से बटर पेपर को निकाल लेंगे। केक को हम इस तरह से फिर से सीधा कर लेंगे। अब हम नाइफ की सहायता से केक के लेयर कट करेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से घुमाते हुए नाइफ से धीरे धीरे कट करेंगे। इस तरह से हम पहला लेयर कट करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से इसका दूसरा लेयर कट करेंगे। केक को हम 3 लेयर में कट किए हैं। यहाँ पर हम 100 ग्राम डार्क चॉकलेट को क्रश करके रख लेंगे। हम यहाँ पर 1 कप व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से फेंटेंगे। अब केक को हम असेंबल करेंगे, जिसके लिए हम क्रीम की एक पतली लेयर सबसे पहले नीचे लगाएंगे। इसके ऊपर हम केक की पहली लेयर रखेंगे। अब हम चीनी और पानी को घोलकर शुगर सिरप बनाएंगे और केक के ऊपर हम चारों तरफ ब्रश की सहायता से इसी तरह से शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप के बाद हम केक के ऊपर इस तरह से क्रीम की लेयर लगाएंगे और इस तरह हम क्रीम को नाइफ की मदद से चारों तरफ मिलाते हुए बराबर से फैलाएंगे। नाइफ की मदद से हम ऊपर और साइड में दोनों तरफ अच्छे से क्रीम को बराबर करेंगे। अब हम क्रीम के ऊपर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सॉस। अच्छी मात्रा में स्ट्रॉबेरी सॉस हम क्रीम के ऊपर ऐड करेंगे। अब हम नाइफ की मदद से स्ट्रॉबेरी सॉस को फैलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह धीरे धीरे आराम से स्ट्रॉबेरी सॉस को हम चारों तरफ फैलाएंगे। हम इसी तरह स्ट्रॉबेरी सॉस को क्रीम के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम केक की दूसरी लेयर को रखेंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। चारों तरफ इसी तरह फैलाते हुए अब हम केक के दूसरे लेयर के ऊपर भी चारों तरफ इसी तरह से फैलाते हुए क्रीम लगाएंगे। और इसे भी नाइफ की सहायता से चारों तरफ फैलाते हुए बराबर करेंगे और फिर से हम क्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड करेंगे। क्रीम के ऊपर चारों तरफ अच्छे से स्ट्रॉबेरी सॉस फैलाने के बाद अब हम इसकी आखिरी लेयर ऐड करेंगे और इस तरह से उंगलियों की सहायता से चारों तरफ से बराबर करेंगे। केक के चारों तरफ हम फिर से शुगर सिरप से सोक करेंगे। फिर से हम केक के ऊपर क्रीम ऐड करेंगे और उसे नाइफ की सहायता से चारों तरफ फैलाते हुए बराबर करेंगे। केक के ऊपर के साथ साथ हम साइड में भी क्रीम लगा के इसे बराबर करेंगे इस तरह से घुमाते हुए। चारों तरफ बराबर करने के बाद हम क्रश चॉकलेट लेंगे और इस तरह हाथों की सहायता से हम केक के साइड में चारों तरफ लगाएंगे। इस तरह घुमाते हुए
हाथों की मदद से हम बारी बारी से केक के चारों तरफ हम चॉकलेट लगाएंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट जो भी नीचे में गिरेगा उसे हम बाद में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ चॉकलेट लगाएंगे। अब हम केक के ऊपर 2022 से सजाएंगे, बिल्कुल इस तरह से, और इसके किनारे में हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। साथ ही हम केक के किनारे को भी स्ट्रॉबेरी से इस तरह से सजा देंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। केक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 70 ml ऑलिव ऑयल।